कुछ लोग होते हैं जिंदगी में इतनी आसानी से हार मान जाते हैं तकलीफों से डर के, उनको हिम्मत कैसे रखें वो आप बताओ। वो उनकी कमजोरी है, वो करना नहीं चाहते, ऊपर आला जाता है कर्ज और मैं तेरे साथ हूं। अब आप देख लो, अगर आप आज यहाँ ना बैठे होते हमें कैसे मिलते। तो आपने हिम्मत दिखाई, वो भगवान कहता मैं अपने आप बंदे भेजूंगा, तू हिम्मत तो दिखा, राइट अंकल? तो कर, करना तेरा काम है, तुझी को इतना बुलंद कर कि खुदा तेरे से खुद पूछे तुझे क्या चाहिए। आपकी तो काफी उम्र लग रही है, कितनी उम्र है आपकी? 85। तो आप मतलब अकेला कमाने वाले हो घर में? वाइफ की डेथ हो चुकी है। अच्छा, ऊपर आने से एक ही चीज मांगी है, मौत देना, ये चलते फिरते देना, चार पैसे मत डालना। कितने का होगा सारा सामान अंकल जी? सारा सामान होगा कोई उसको छोड़ के 12-13 करोड़। और उसको मिला के हो गया तो मतलब 12-13-14 2000 का, 2000 का सारा सामान है। ये 4000 है, ये आप रखिए। और नहीं नहीं अंकल जी क्या कर रहे हैं आप, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, और आपके बच्चे हैं हम। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, दिल खुश हो गया। ये सामान भी आप रखिए, सामान भी आपने पास ही रखिए, इससे आप थोड़ा और सामान ले आना अच्छा, ताकि और बेच सके। तो अंकल कुछ पेंशन वगैरह नहीं मिलती? पेंशन मिलती है, बट गुजारा नहीं होता। 250 रुपया महीने का, बस 250 रुपया महीना। ओ हो, प्राइवेट नौकरी करते हैं। इसी तरीके से अंकल आप हिम्मत बनाए रखें, हार ना मानना कभी भी। मैं हारूंगा नहीं।